हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर इंग्लिश चैप्टर। ही लुक्ड एट द बिलो फैमिलियर फेस ऑफ हिज मदर। हर क्लियर गेज मेट हिज विद ऑनेस्टी। ही ट्रस्टेड हर। ही कुड टेल हर, मा मा यू सेड यू टोल्ड मी टू मेक द मोस्ट मोस्ट। ही गल्प्ड। शी वेटेड। यू सेड मेक द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग इन द वर्ल्ड। और वो देखता है अपनी मम्मा की तरफ और मतलब वो उन बातों को याद कर रहा है जो उनकी मम्मी ने उसे पहले बोली थी। एंड शी आस्ट, हर फेस स्टिल सीरियस एंड इंक्वायरिंग। और वो उनकी मदर जो है वो उनसे फिर पूछती रहती है कि वॉट इज़ द रीज़न। एंड हेयर रामचंद बर्स्ट इन टू टीयर्स अगेन एंड वेल्ड आउट। और फिर अब क्या होता है, रामचंद रोना स्टार्ट कर देते हैं। आई डोंट नो वॉट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग इन द वर्ल्ड। मुझे नहीं पता कि वर्ल्ड में मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग क्या है। शी डिड नॉट लाफ एट हिम। वो उसके ऊपर नहीं हंसी। एंड शी नेवर न्यू हाउ ग्रेटफुल हर सन वॉज टू हर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ फॉर नॉट लाफिंग, नॉट इवन स्पीकिंग और मूविंग एट दैट मोमेंट। और उनकी मम्मी उनके ऊपर हंसती नहीं है और वो सोचती है कि मेरा सन जो है वो कितना ग्रेटफुल होगा कि जब वो ये बात सोचेगा कि उनकी मदर उनके ऊपर हंसी नहीं और वो उस मोमेंट पर कुछ बोलती या मूव भी नहीं करती। शी हग्ड हिम लाइटली एंड स्ट्रोक्ड हिज हेड जेंटली। और वो उन्हें हग कर लेती है प्यार से और उसका हेड जो है वो सहलाती हैं प्यार से। रामचंद्स फादर केम इन देन, सॉ रामचंद्स टीयर स्टेन्ड फेस एंड टू हिज सरप्राइज ऑल्सो सॉ टीयर्स ग्लिसनिंग इन हिज वाइफ्स आइज। रामचंद के फादर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि रामचंद जो है मतलब वो रो रहे थे और उनकी जो मदर है उनकी भी आइज में टीयर्स थे। वॉट हैपन्ड ही आस्क्ड, वो पूछने की क्या हुआ। एंड शी डिड नॉट से नथिंग, ही जस्ट फेल डाउन। और वो क्या बोलती हैं कि नथिंग, कुछ नहीं हुआ, वो गिर गया। कौन गिर गया, रामचंद गिर गया। विद कंप्लीट परफेक्ट कंपोस्चर शी टोल्ड हिम। रामचंद लुक्ड एट हिज फादर अप्रेंसिवली, हिज ओन फेस टेंस, द टीयर्स ड्राइड, द लंप ऑफ डो नाउ डस्टी, इट्स सर्फेस ड्राइंग एंड फॉर्मिंग लिटिल क्रैक्स। और रामचंद जो है वो अपने फादर के को बहुत ज़्यादा वरिंगली देखते हैं। और अब क्या होता है कि उसके टीयर्स जो होते हैं वो सूख चुके होते हैं, लंप ऑफ डो भी डस्टी हो चुका होता है और अब क्या होता है, डो में क्रैक्स आ जाते हैं। हिज फादर लुक्ड स्ट्रेट इन टू हिज सन्स आइज एंड सेड, बट आई डोंट नो दैट ईदर। द साइलेंस ऑफ हिज मदर, द सिंपल ट्रुथ इन हिज फादर्स वॉइस, दीज वर थिंग्स रामचंद नेवर फॉरगेट। और वो क्या क्या नहीं भूलेगा अब, ये उसकी मदर का साइलेंस और ये उसके फादर की जो वॉइस थी वो रामचंद कभी नहीं भूल पाएगा। देर वॉज परफेक्ट पीस इन द रूम आफ्टर दैट मोमेंट। और उसके बाद शांति हो चुकी थी रूम में बिल्कुल। रामचंद डिड नॉट नो वेयर दैट लंप ऑफ डो वेंट। रामचंद को ये भी नहीं पता लगता है कि वो लंप ऑफ डो कहाँ चला गया। इट वॉज फॉरगॉटन बाई एवरी वन, उसको सब वो सब कुछ भूल चुके थे। हिज मदर वॉश्ड हिज फेस एंड हैंड्स, ड्राइड देम जेंटली विद अ सॉफ्ट कॉटन क्लोथ एंड गेव हिम सम वार्म मिल्क टू ड्रिंक। अब रामचंद की मदर उनका फेस वॉश करती हैं, उनका हैंड्स वॉश करती हैं, उनको ड्राई करती हैं सॉफ्ट क्लोथ के साथ और उन्हें गरम दूध देती हैं पीने के लिए। हिज फादर ब्रॉट हिम अ शुगर कोटेड बिस्किट फ्रॉम द शॉप। रामचंद न्यू इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव वंस इन द शॉप। अब क्या होता है, उसके फादर जो हैं उसके लिए शुगर कोटेड बिस्किट लाते हैं और रामचंद को पता था ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है उनकी शॉप पे। आफ्टर दैट नोबडी मेंशन दैट इंसिडेंट अगेन एंड आफ्टर द शॉप क्लोज डिनर एंड बेड टाइम वर जस्ट सेम। अब क्या होता है कि वो इंसिडेंट कंप्लीट होने के बाद उस इंसिडेंट को अब कोई भी याद नहीं करता और नॉर्मली जैसे रोज़ डिनर और बेड टाइम होता था उनका, वो सब चीज़ें अब सेम हो गई। बट फ्रॉम द डे ऑनवर्ड्स रामचंद लव्ड हिज पेरेंट्स मच मोर। लेकिन अब उस दिन से रामचंद ने अपने पेरेंट्स को प्यार करना और ज़्यादा स्टार्ट कर दिया। थैंक यू।